अनैतिक संबंधों के चलते पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में पुलिस ने प्रेमी और मृतक की पत्नी और प्रेमी के साथी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला नरसिंहपुर जिले के करेली का है। 24 जनवरी को ग्राम कोदसा से गायब हुए 32 वर्षीय युवक सपनेश की लाश हर्रई के पास परतापुर तालाब से अर्धनग्न हालात में बरामद हुई थी। पुलिस की जांच में पता चला कि मृतक की पत्नी सुलेखा और सूर्य प्रकाश के अनैतिक संबंध थे। आरोपी सूर्य प्रकाश पटेल ने कबूला कि उसने मृतक सपनेश की पत्नी सुलेखा से प्रेम संबंध को बनाए रखने के लिए सपनेश की हत्या कर लाश को तालाब में पत्थरों से ढक दिया। नगर निरीक्षक अनिल सिंघई ने बताया कि मृतक सपनेश को पत्नी सुलेखा और रिश्ते में जीजा सूर्य प्रकाश के अवैध संबंध की जानकारी सपनेश को हो गई थी, इसलिए उसे सुलेखा और सूर्य प्रकाश के मिलने पर आपत्ति थी। इसलिए मृतक सपनेश को रास्ते से हटाने के लिए पत्नी सुलेखा की सहमति के बाद आशिक सूर्य प्रकाश ने अपने बटियार ब्रजेश यादव के साथ मिलकर 24 जनवरी की रात हाईवे किनारे नहर के पास शराब पिलाकर मोबाइल चार्जर की लीड से गला दबाकर हत्या कर दी और लाश ठिकाने लगाने के लिए जबलपुर रोड शेर नदी पहुँचे। लाश ठिकाने लगाने का मौका नहीं मिलने पर वहां से जैतपुर टोल होते हुए कच्चे रास्ते से हर्रई के नजदीक परतापुर तालाब पहुंचे, जहां मृतक के कपड़े उतारकर अर्धनग्न हालत में फेंक दिया और लाश बाहर न निकले इसलिए उस पर बड़े बड़े पत्थर से दबा दिया। आरोपियों के विरुद्ध करेली थाने में अपराध दर्ज कर तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में लेकर न्यायालय भेजा गया है। मामला हमारे थाना क्षेत्र के ग्राम कोदसा का है, जहां का सपनेश पटेल 24 जनवरी के दिन शाम के बाद से लापता हुआ था। इसके संबंध में जानकारी लगी थी कि सूर्य प्रकाश नाम का अमेठा गांव का व्यक्ति जो है, जो इसका दूर का रिश्ते का साला लगता है, तो वो उसके पास गया था। जो कुछ भी हालात हो, सूर्य प्रकाश से जब अपन ने इस संबंध में पूछताछ की 25 तारीख को, इस संबंध में हमारे यहाँ गुम इंसान पंजीबद्ध था, जांच तलाश जारी थी और उसी जांच तलाश में सूर्य प्रकाश से जब बातचीत की गई, कथन लिए गए, तो उसने कहा, इसने इस बात से इनकार किया कि वह उसको मिला था। फिर हम लोगों ने इसकी तकनीकी जांच कराई, इसके मोबाइल की, मृतक सपनेश के, सूर्य प्रकाश के, इसकी पत्नी के, और उस आधार पर सूर्य प्रकाश और इसकी पत्नी के बीच के कुछ संबंध पता लगे। जब संबंध पता लगे तो कड़ाई से फिर वो सूर्य प्रकाश को कल ला करके जब पूछताछ की गई, पूछताछ करने के बाद उसने स्वीकार किया कि इसकी जो सपनेश की पत्नी है सुलेखा, उससे इसके संबंध थे, शारीरिक संबंध भी थे, और उस संबंधों की जानकारी मृतक इसको लगी, सपनेश को, तो वो इससे चिढ़ता था, बुराई रखता था, और बुराई रखने के दौरान इसने कहा कि भाई तू मेरे से संबंध मत रख, ना ही मेरी पत्नी से कोई संबंध रख, तो ये दबाव बनाने लगा, दबाव पैसा कौड़ी इत्यादि कर्जा अर्जा दिया उसको, दबाव बनाया। बनाने के साथ साथ पत्नी भी नाराज रहती थी कि उसको उसके आशिक से मिलने में तकलीफ हो रही थी। तब फिर इन्हें एक आपराधिक षड्यंत्र कर उसको 24 तारीख के दिन यहाँ कृष्णा ढाबा, कृष्णा होटल के पीछे जो नहर है वहाँ बुलवाए। वो बुलवाने के बाद फिर वहाँ षड्यंत्र पूर्वक इसकी अपने एक साथी के सहित एक कार से पहुँचा, 40 MPB CG 4058 कार से सूर्य प्रकाश अपने साथी जो इसका हरवाहा है ब्रजेश यादव उसके साथ पहुँचा। वहाँ पहुँचने के बाद इन्होंने उसको बुलवाया सपनेश को, और बुलाने के बाद फिर वहाँ इसकी चार्जिंग लीड जो होती है, उस चार्जिंग लीड से इसकी गला घोटकर हत्या कर दी। उस हत्या करने के बाद ये जो कार थी 4058, इसमें बॉडी को उन्होंने डिक्की में छुपाया। छुपाने के बाद इन्हें सोचा कि लाश को कहाँ ठिकाने लगाया जाए, तो ये उसको गोटे गांव तरफ की सेण नदी जबलपुर रोड वहाँ तक ले गए। फिर वहाँ इनकी कुछ व्यवस्था नहीं हो पाई। इस बीच ये जो मोटरसाइकिल थी सपनेश की, उस मोटरसाइकिल को ब्रजेश इसी यहाँ से चलाते हुए खमतरा तिगड्डे के पास छोड़ा, फिर कार में वो भी बैठ गया था, वो भी इनके साथ सेण नदी तक साथ में था। वहां से फिर ये वापस आए जैतपुर टोल होते हुए, फिर ये परतापुर एक जगह पड़ती है हर्रई, जहाँ अपने नरसिंहपुर जिले की बॉर्डर समाप्त होती है, वहाँ एक ढाबा है मैकल सुता ढाबा, उसके सामने एक थोड़ा सा रोड से नीचे तरफ में एक तालाब है, वहाँ इन्होंने लाश को ले गए, और लाश ले जाने के बाद वहाँ लाश पानी में डाली, छुपा दिए। छुपाने के बाद ऊपर से बड़े बड़े पत्थर रख दिए, आजू बाजू भी पत्थर रख दिए ताकि लाश ऊपर ना आए।
नरसिंहपुर से संजीव पटेल की रिपोर्ट।